दोस्तों, जिन कन्या की या लड़के की शादी में रुकावट आ रही है, कई बार ऐसा होता है बनते बनते बात बिगड़ जाती है, शादी में बहुत रुकावट है, या जिनकी संतान प्राप्ति में भी रुकावट है, पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में रुकावट है, विवाह में रुकावट है, तो केवल नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से रुकावट दूर हो जाएगी, आपके प्रत्येक कार्य बन जाएंगे, मनोकामना भी पूरी होगी। दोस्तों, आपको इसमें करना यह है कि नवरात्रि में जिस दिन उपाय को करना है, जैसे सप्तमी की रात को या अष्टमी की रात को आपको करना यह है कि बाजार से छोटी लाल चुन्नी लेकर के आनी है, एक लाल या पीला रूमाल लेके आना है, एक खिलौना लेकर के आना है, 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का हो, साथ में 5 प्रकार का एक एक फल हो, एक नारियल और एक सुपारी, इसको आपको लेकर के आना है। और आपको लाकर के सभी वस्तुओं को एक पोटली बना करके अपने घर के अंदर मंदिर में रख देनी है। घर के अंदर मंदिर में रख करके रात के समय रखनी है। अगले दिन अपनी सास से या जिनकी जो है शादीशुदाएं संतान चाहिए, सास से या पति से, और जो कन्या विवाह के लिए कर रही हैं या जो लड़का विवाह के लिए कर रहे हैं, तो लड़का तो केवल गोद भराई अपनी नहीं करेंगे, वो माता रानी के सामने से उठा करके ही इसका उपाय कर देंगे, और लड़की है तो झोली में डलवा लें, वो अपनी माँ से या भगवान को स्पर्श करके अपनी झोली में ले सकती हैं। अगले दिन उस पोटली में से फल गाय को खिलाने हैं, खिलौना है वो किसी बच्चे को देना है, कन्या को देना है, अगर लड़का चाहिए जो संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो लड़का को दें या ठाकुर जी को अर्पण कर दें। जो सुपारी है वो शिवलिंग पर चढ़ानी है, सिक्का है उसे पीपल के पेड़ के नीचे दबा के आना है, और नारियल है उसका प्रसाद ग्रहण करना है। अगर पुत्र प्राप्ति के लिए किया है, संतान प्राप्ति के लिए किया है, तो नारियल का जो बीज है उसे पत्नी जो है सबसे पहले वही ग्रहण करेगी, बाद में सभी ग्रहण करें। और जो रूमाल है वो कुछ दक्षिणा रख करके किसी पंडित को दान कर देना है। केवल इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपकी झोली भर जाएगी, मेरी माता रानी आपकी मुरादें पूरी करेंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।